नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार, जो अब अनिल कुमार चौधरी के नाम से भी मशहूर रहे हैं, उन्होंने आज अंतिम दिन 14 मई को नामांकन दाखिल किया। उन्होंने अपने इस नामांकन उत्सव को यादगार बनाने के लिए कई प्रयास किए, जिसकी चर्चा आज खूब हो रही है। वैसे दोपहर 2 बजे के लगभग वे जिला निर्वाचन अधिकारी अंशुल अग्रवाल के कार्यालय में पहुंचे। आप उनकी तस्वीरें यहां देख रहे हैं नामांकन दाखिल करने के दौरान। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, अनिल चौधरी बैलगाड़ी की सवारी करते हुए किला मैदान से निकले। यह लोगों में आकर्षण का केंद्र भी रहा। जब वे ज्योति चौक पहुंचे तो वहां ज्योति प्रकाश की प्रतिमा पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई, अर्थात सभी दलों ने जो जो तिकड़म किए थे वह सारे अनिल चौधरी ने अकेले करके दिखाए, और भीड़ इतनी थी कि कहिए नहीं। वहां ज्योति प्रकाश की प्रतिमा का दूध और जल से अभिषेक भी किया गया। फिर यह कारवां आगे बढ़ा। वैसे इनके जुलूस की शुरुआत सबसे पहले कृष्णाबरम के समीप स्थित चौकिया गांव के बुद्ध मंदिर से हुई। यह वहीं की तस्वीरें हैं। जैसा कि हमने बताया, अनिल चौधरी ने अपने नामांकन को यादगार बनाने के लिए कई तरह का यत्न किया था। चौकिया से बक्सर तक जुलूस निकला, उसमें सैकड़ों की तादाद में वाहन सवार थे। जब वे समाहरणालय पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे मोरल से जुड़ा सवाल किया, क्या आपका मोरल डाउन है? लेकिन पत्रकारों के तीखे सवालों का उन्होंने बड़े है चुटीले अंदाज में जवाब दिया। आइए सुनते हैं। कॉन्फिडेंस कुछ लूज दिखाई दे रहा है अनिल जी। कौन कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस तो आज तक लूज ही नहीं हुआ है। और आज नामांकन में हजारों की भीड़ देख करके 20,000-25,000 आदमी की सड़क पर भीड़ आपने भी देखा होगा, कॉन्फिडेंस कैसे लूज हो जाए? जब हमारे माताओं बहनों का लाखों का आशीर्वाद इस बक्सर में प्राप्त हुआ, वो कॉन्फिडेंस कैसे लूज कर? कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है आपका कहीं हुआ हो, तो इसको आप चेक कर लीजिए। अरे ये पैदल चल करके आए, बैठे गर्मियों में थोड़ी पसीना हुई, पानी नहीं पीने को मिला। जिस प्रकार से कठिन लड़ाई आपको मिल रही है, जिस प्रकार से लग रहा है कि दो बड़े गठबंधन के लोग सामने खड़े हैं, उस हिसाब से कहा गया कि कॉन्फिडेंस क्या लूज लग रहा है? देखिए, ये कॉन्फिडेंस किन्हीं गठबंधन से, हर गठबंधन से बहुजन समाज का गठबंधन भारी है। और ये हमारे बहुजन समाज के तमाम लोगों की ताकत है जो कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं। और बक्सर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए मैं अकेला नहीं, बक्सर के तमाम माताओं बहनों को, चाहे वो किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, वो हर लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होकर के इस बार बहुजन के इतिहास, बहुजन बक्सर के इतिहास को बदलने के लिए। सुधाकर जी कह रहे हैं कि हाथी तो पानी में चल जाएगा चुनाव से पहले। देखिए, बक्सर हाथी पानी में जाएगी कि कौन पानी में जाएगा, ये तो देखने वाली बात है। समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए। जो कह रहे हैं उनके गिरबान में कुछ झांकने की जरूरत है कि जब मंत्री रहे, विधायक रहे, विधायक के पहले हाफ पैंट पहने जब थे, तो शायद ये दोनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, चाहे राजद के उम्मीदवार हों या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, दोनों स्कूल एक ही हैं। दोनों कहते हैं कि छोटा भाई बड़ा भाई, तो फिर कैसे राजद के उम्मीदवार हो? राजद के लोग भी बहुजन समाज के साथ खड़े हैं, और मेरे साथ खड़े होकर के वो भी इस बार बक्सर बहुजन का हो, इसके लिए सब आगे। बहुजन में होगा बक्सर इस बार? निश्चित रूप से बहुजन में होगा, पूरा विश्वास है। और बक्सर के तमाम आवाम कह रही है कि इस बार बक्सर का आरक्षण खत्म हो। देश में दो तरह, देखिए, कोई जो 4 लाख कहा, कोई 2.5 लाख कहा, कोई 5 लाख कहा, मैं उन बातों में नहीं विश्वास करता। हम यही कहेंगे कि जिन्होंने कहा 4 लाख से जीतेंगे, बाकी लोग जमानत जब्त करा रहे हैं, तो उनके गिरबान में झांकने के 4 लाख वोट आज तक नहीं प्राप्त किए, और 4 लाख उनके पिता 4 लाख नहीं वोट प्राप्त किए, और बेटा कहे कि हम 4 लाख वोट, ये सब गलतफहमी में मैं नहीं हूँ। आपकी लड़ाई किससे? मैं सीधा सीधा अपनी जनता के बीच हूँ, और जनता ने कमर कस लिया है। और लड़ाई की जो बात आप कर रहे हैं, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ, लड़ाई में राजद नहीं है कहीं, ये दोनों एक ही स्कूल के हैं, सब लोग जानते हैं, तो राजद इस लड़ाई में कहीं नहीं, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी चुनाव आते आते निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी सबसे ऊपर होगा,
सबसे आगे होगा और उसकी लड़ाई किसी से नहीं। ठीक है, थैंक यू। चुनाव का इंतजार। बसपा के नामांकन जुलूस का नज़ारा आपने देख लिया। किला मैदान में इतनी भीड़ थी कि वहाँ लगा टेंट भी छोटा पड़ गया। भरी दोपहरी में लोग यहाँ जमा थे। इस कार्यक्रम के बाद बसपा का भौकाल टाइट हो गया है और विरोधी भी भौचक है। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट से हमें ज़रूर जानकारी दें।